धर्मात्मा है जी। निषाद समाज के लोग उनको परमात्मा मानते हैं और आप भी कहते हैं कि वो मेरे भगवान हैं। कहते थे यार, स्वघोषित मतलब कहते रहे हैं। तो परमात्मा से और धर्मात्मा का झगड़ा कैसे शुरू हो गया? उसके पास 200 भीड़ खड़ी हो और एक लड़के की वजह से अगर भीड़ रुक जाए तो उससे खुंदस नहीं करेंगे। आपके वजह से भीड़ रुकी थी वहाँ पर, कार्यकर्ता सभी नाराज थे, मैंने सबको मना कर दिया था। हम लोग को मना कर दिए थे। देखिए, धर्मात्मा निषाद है, प्रदेश सचिव है निषाद पार्टी के वर्तमान में भी, और ये कह रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं को रोक दिया था प्रवीण निषाद और संजय निषाद के आने के बावजूद, और 1000 कुर्सी में 800 कुर्सी खाली रह गई, इसलिए इस युवा को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। प्रवीण तो जीत रहे हैं, आप उसी लोकसभा से आते हैं। हम लिख के दा रहे हैं, कभी नहीं जीवन में वो नहीं जीत पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में देखे, चप्पल लेके महिलाओं ने दौड़ाया था, वीडियो नहीं देखा? माननीय सांसद जी को जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोलते हैं, उसी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, तो अब निर्णय क्या होगा आपका? पार्टी में तो आप नहीं रहेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद राष्ट्रीय प्रदेश सचिव बने हुए हैं। बिल्कुल नहीं, प्रदेश सचिव हम बागी हैं इस समय। जब तक वो लोग, हम ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करके अपने सत्ता सुख के लिए जो है लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, ना कि समाज के लिए। 2024 में भी अगर वह व्यक्ति लड़ने लायक होता तो वह व्यक्ति आरक्षण की आवाज़ सदन में उठाता, ना कि रोड पर ड्रामा करता। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर की बात करें और निषादों की बात ना करें तो ठीक बात नहीं है, और उसमें भी डॉक्टर संजय निषाद की बात ना करें तो बेमानी होगी। हमारे बगल में धर्मराज निषाद हैं, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं वर्तमान में, और उन्होंने कहा है कि संजय निषाद की पार्टी और संजय निषाद फर्जी नेता हैं। और एक और बात, इन्होंने कहा है कि संजय निषाद हमको जेल भेजवाना चाहते हैं। ये हमसे इस बात को नहीं कहे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इनका वायरल हुआ है। गोरखपुर लाइव से हम ये बातचीत करेंगे, और मैं सवाल इनसे आपसे सवाल कर रहा हूँ धर्मराज जी, धर्मात्मा निषाद जी। पहला सवाल यह है कि आप प्रदेश सचिव हैं निषाद पार्टी के जी, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं संजय निषाद फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। दरअसल निषाद पार्टी का गठन हुआ था निषाद समाज के उद्धार के लिए। इन्होंने शुरू में जब निषाद पार्टी बनाया था तो इन्होंने कहा था कि निषाद बिरादरी के जितने भी नेता हैं जो दूसरे दलों में सवार है वो निषाद नहीं गद्दार है। तो हम कहना चाहते हैं जब निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं और उसके बाद जो आप मंत्रालय जो है भाजपा का जो देख रहे हैं, भाजपा का कार्य आप कर रहे हैं, आपके बेटे श्रवण निषाद जी प्रदेश प्रभारी हैं निषाद पार्टी के और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरीके से उनके बड़े बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद जी जब उस समय जो है प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे, स्वयं निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे, और जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना होता है तो निषाद पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य कैसे वो सब हो जाते हैं। उन्हीं के किताब में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति निषाद पार्टी में है वह व्यक्ति निषाद पार्टी में होते हुए अन्य दलों का सदस्य नहीं हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि जब वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो भारतीय जनता पार्टी के MLC कैसे हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैसे मंत्री हो सकते हैं? धर्मात्मा जी, आपका नाम धर्मात्मा है जी। निषाद समाज के लोग उनको परमात्मा मानते हैं और आप भी कहते हैं कि वो मेरे भगवान हैं। कहते थे यार, स्वघोषित कहते रहे हैं। तो परमात्मा से और धर्मात्मा का झगड़ा कैसे शुरू हो गया? झगड़ा का जरिया मैं नहीं रहा है सर। दरअसल जो है 2015 से मैं इनसे जुड़ा हूँ, नवंबर 2015 से, और इनके साथ मैं कार्य करता रहा, सामाजिक मुद्दों पर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 2017 तक पार्टी अपने नीति और नियत पर सब जगह ठीक थी, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी अपने रास्ते पर सही चल रहे थे, मगर जैसे जैसे कहीं ना कहीं इनको सत्ता का मोह बढ़ता गया, इनको और इनके परिवार को, धीरे धीरे समाज कहीं ना कहीं ये लोग जो है भूलते गए। 2019 में एक बार गोरखपुर में बैठक हुई थी जहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कहे कि हम सपा से चुनाव लड़ेंगे, उस दौरान भी कार्यकर्ताओं में खटपट हुआ था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सपा से जाके चुनाव लड़ जाएंगे तो फिर निषाद पार्टी रह कहाँ जाएगी, जिसमें जो है बगावत करने वाले कमलेश निषाद जी थे जो खजनी के निवासी हैं, उस समय सबसे करीबी लोगों में प्रथम व्यक्ति कमलेश जी हुआ करते थे। एक अरविंद निषाद हमारे मित्र हैं राजा निषाद नाम से, जिनको लोग फेसबुक ID के माध्यम से लोग जानते होंगे, वो दोनों लोग शुरू बगावत किए। फिर उसके बाद जो है उसमें भी ये लोग लोगों को मैनेज कर ले गए, कहें चलिए ठीक है आप पार्टी किसी तरीके से आगे बढ़ेगी समाज का भला होगा, उस दौरान भी हम लोग शांत रहे। फिर 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो जाता है, किसी तरीके से अपनी बात को इनकार करते हुए जो है सपा से ना लड़ने का फैसला लेते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा इनका आता है कि 2022 जब आती है तो सवाल एक कहीं ना कहीं समाज में बनाते हैं और उसको बनाते हैं एक सरकार बनाओ अधिकार पाओ, एक सवाल ये करते हैं।
2022 में हम लोग कहते हैं चलिए ठीक है, 2019 में नहीं कुछ हो पाया है, 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, और हमें कहीं ना कहीं हमारे सभी हक अधिकार जो हैं, मूलभूत समस्याएं जो निषाद समाज की हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो खुद कहते थे सरकार बनाओ अधिकार पाओ, वह व्यक्ति अपना अधिकार पाते ही समाज का अधिकार भूल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य करने लगे। इसीलिए मैं उनका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा हूँ और उनके विचारों का विरोध कर रहा हूँ। विचारों का विरोध करते हैं और गिरफ्तारी की बात आती है, पनियरा से आपके पास एक फोन आता है, आप ही के कथन के अनुसार आप कहते हैं कि एसओ साहब कहते हैं कि आ जाओ कि डॉक्टर संजय निषाद बुलाए हैं और आओ, विधायक वाला मामला क्या है और गिरफ्तारी का मामला क्या है? जी मामला दरअसल यह है सर कि अभी हाल ही 3-4 दिन पहले की घटना है, जिस संबंध में मैं लाइव भी आया था। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लगता है पनियरा में, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जाते हैं कार्यक्रम में, उसके बाद जब इनको लगा कि धर्मात्मा निषाद बगावत कर रहे हैं, और गिरफ्तारी का कारण क्या था कि संत कबीर नगर में निषाद पार्टी का कहीं ना कहीं उदय हुआ, संत कबीर नगर से इनका वर्चस्व बढ़ा था, कसरवल कांड संत कबीर नगर में हुआ और निषाद पार्टी की नींव भी कहीं ना कहीं जो है कसरवल से ही रखी गई है, पूर्ण रूप से जिसे पूरे भारतवर्ष के लोगों ने जाना कसरवल से ही जाना। तो वहाँ संत कबीर नगर में इनके कभी ना कभी जो है हुआ करते थे, हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता एक बुलाने पर आ जाते थे एक फ़ोन पर। लेकिन कुछ समस्याएँ समाज में रही है, एक निषाद समाज की महिला थी, हम आते हैं आपको गिरफ्तारी वाले पर, एक निषाद समाज की महिला थी, कुछ जातिगत लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके उस महिला को मारा पीटा था, जाति विशेष के लोगों ने, हमने उसका विरोध किया था, माननीय मंत्री जी से भी अवगत करवाया, माननीय सांसद जी से भी अवगत करवाया, माननीय विधायक इंजीनियर सर्वन निषाद जी जिनके निजी सचिव के रूप में मैं कार्य कर रहा था उस समय चौरी चौरा, इनसे भी अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं लाइव आकर के अपने कार्यकर्ताओं के लिए लाइव आया, मेरे आंसू छलक गए कार्यकर्ताओं के दर्द में। उसके बाद ये लोग कहें तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं पार्टी की बुराई कर रहे हो, लाइव आ रहे हो, डॉक्टर साहब की छवि धूमिल हो रही है, निषाद पार्टी की छवि। हम कहें आप कार्य करिए ना, अगर छवि आपको बरकरार रखनी है तो निषाद समाज के लिए पार्टी बनाए, निषाद समाज के लिए आप कार्य नहीं करेंगे तो किसके लिए आप कार्य करेंगे? निषाद समाज छोड़िए, जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी 24 घंटे चल रहे हैं इनके साथ, उनके लिए आप नहीं कार्य करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो वही सब विरोध का इनका जो है विरोध जब मैंने किया तो इन लोगों का जनाधार संत कबीर नगर में कम हुआ। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम किए थे, 1000 कुर्सियां लगी थी, जिसका आप सभी मीडिया बंधुओं ने दिखाया भी था उस कवरेज को, 1000 कुर्सियां लगाने पर भी 800 कुर्सियां बटोरनी पड़ी, 200 कुर्सियों पर लोग बैठे मिले। माननीय मंत्री जी का जिनका जनाधार इतना ज़्यादा दिखा करके भाजपा से बार्गेनिंग करते हैं सीटों को लेकर के, और उनके पास 200 भीड़ खड़ी हो और एक लड़के की वजह से अगर भीड़ रुक जाए तो उससे खुंदस नहीं करेंगे? आपके वजह से भीड़ रुकी थी वहां पर, कार्यकर्ता सभी नाराज थे, मैंने सबको मना कर दिया था, हम लोग को मना कर दिए थे। देखिए धर्मात्मा निषाद हैं, प्रदेश सचिव हैं निषाद पार्टी के वर्तमान में भी, और ये कह रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं को रोक दिया था प्रवीण निषाद और संजय निषाद के आने के बावजूद, और 1000 कुर्सी में 800 कुर्सी खाली रह गई, इसलिए इस युवा को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। उसके बाद वो जाते हैं पनियरा में क्या करते हैं कि जाते हैं जब एसओ को अपने पास बुला, बोलते हैं फ़ोन पे नहीं, एसओ महोदय प्रोटोकॉल के तौर पर वहाँ पर गए हुए थे माननीय मंत्री जी के सुरक्षा में, उसके बाद उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि धर्मात्मा निषाद विधायक लिख के चलता है अपनी गाड़ी पर, और उसकी गाड़ी भी सीज करो, और धर्मात्मा निषाद पार्टी का नहीं है, उसको जो है बर्खास्त कर दिया गया है और उसको गिरफ्तार करो, फर्जी वो प्रदेश सचिव है। तो हम कहते हैं बर्खास्तगी का कोई तो लेटर आप जारी करेंगे, फर्जी हैं आप, फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है, वो मुझे क्या फर्जी साबित करेंगे? आप बताइए, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हैं फर्जी अध्यक्ष, कैसे तब निषाद पार्टी किसका हुआ? हम कह तो रहे हैं निषाद पार्टी निषाद समाज के उन युवाओं की है जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया, वीर शहीद अखिलेश निषाद इसी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वीर शहीद हो गया है, लेकिन उस परिवार को भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। उसके पहले आप क्यों नहीं बोले? हमेशा अपनी अपने पर बात आती हो, अपने पर बात आती है तो आप बोलते हैं अखिलेश निषाद मुद्दा बनता गया, नेता होते गए, लोग कुछ लोग विधानसभा में चले गए, कुछ लोग सांसद हो गए, लेकिन आप भी पार्टी में थे तब तक नहीं बोले अखिलेश निषाद के बारे में, जैसे बगावत किए या संजय निषाद बगावत किया था आप बोलने लगे। सर आप, हालांकि मैं ऑफिशियली तौर पे तो कहीं मुझे मौका दिया नहीं गया इन लोगों की तरफ से बोलने का, लेकिन आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, ऐसा कोई मेरा पोस्ट नहीं मिलेगा जिसमें इनका क्रिटिसाइज मैंने किया ना हो। जहां ये लोग गलत किए हैं मैंने क्रिटिसाइज किया है, हर जगह मैंने बगावत की है, इनके किसी भी गलत कार्यों का मैंने कभी समर्थन नहीं किया है। 2022 की हम आपको बात कर दें, अभी गिरफ्तारी वाली बात बार बार छूट जा रही है, आप सवाल कर दे रहे हैं तो नए जवाब देने पड़ जा रहे हैं। गिरफ्तारी वाला उसके बाद एसओ को जब बुलाते हैं तो ऐसे हमारे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं धर्मात्मा जी आप और अपनी गाड़ी लेकर के चले आइए थाने पर। हम कहें क्यों? कहें कि अरे तुहरे मंत्री जी गिरफ्तारी के तो के आदेश दिए हैं हमको,
तो हम कहें थाने पर तो भैया हम आएंगे नहीं, क्योंकि जो है गिरफ्तार करना है, तो आप घर पे आइए, गिरफ्तार करके ले जाइए, और नहीं तो कोई एप्लीकेशन तो भेजिए हमारे पास जो माननीय मंत्री जी ने हमारे खिलाफ़ दिया है। तो उसके बाद वो कहते हैं नहीं आएंगे तो हमें आना पड़ेगा। हम कहते हैं ठीक है, फिर आप अगर आना चाहते हो तो आ जाइए। फिर हम फ़ोन लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक बड़े भैया आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद जी को, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में उनका कार्यकाल खत्म हुआ, इस समय प्रदेश संयोजक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उनके साथ मेरा एक फ़ोटो क्या वायरल हो गया था, कसरोल में एक कार्यक्रम हुआ था, उसी को लेकर के ये लोग मुझे टारगेट करना स्टार्ट किए थे, जिसमें माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद जी ने पुरजोर तरीके से मेरा समर्थन किया। एसओ महोदय को भी फ़ोन किया उन्होंने, कप्तान साहब से भी उन्होंने बात करी कि धर्मात्मा निषाद पहले निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर संजय निषाद जी की बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल अब जयप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ अगर कोई जुड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। अपने वीडियो में कहते हैं कि जयप्रकाश निषाद की जब रैली हो रही थी तो संजय निषाद के आप साथ थे और जयप्रकाश जी की रैली को आप रोकने की कोशिश की। बिल्कुल सर, ये भी सही बात है, वो भी पोस्ट आपको मिल जाएगा, फोटोज भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। रुकवाया कौन आपको? मैं बता रहा हूँ, कार्यक्रम दरअसल ये हुआ था कि माननीय विधायक जी फ़ोन किया हमको, इंजीनियर सरवन निषाद जी, उस दौरान जो है माननीय सांसद जी की तबीयत खराब थी, पूरे परिवार के लोग दिल्ली थे, चार दिनों के लिए मुझे पहले तो फर्जी सचिव मुझे साबित कर दिए थे, अपने पोस्ट पे चलाए थे माननीय विधायक जी कि फर्जी सचिव, मतलब कई बार बगावत मुझसे सब लोग किए हैं, लेकिन यह है कि हमारे पास अगर लोग हैं, हमारे पास जनाधार है तो छोड़ भी नहीं सकते, मतलब ऐसी हड्डी में बन गया था कि ना उगल पा रहे थे ना निगल पा रहे थे। पहले स्वयं पोस्ट चलाए थे माननीय विधायक जी कि धर्मात्मा निषाद फर्जी, लेकिन नाम केवल नहीं डाले, कहें कि फर्जी भावी विधायक और फर्जी निजी सचिव लिखने वालों से सावधान। लेकिन फिर जो है वही व्यक्ति हमको छः महीने बाद कहते हैं कि जयप्रकाश कार्यक्रम करना चाह रहा है, सेम ही लैंग्वेज, और उसके कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना है, तुम चले जाओ चोरी चौरा, और मैं जब भैया तबीयत ठीक हो जाएगा तब आऊँगा घर पे। हम कहें भैया हम कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करने हैं, आपका कोई भी कार्यक्रम या कोई कार्य हम अभी नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे साथ के जितने लड़के हैं, दो बच्चे इन्हीं लोगों की वजह से फर्जी जेल चले गए थे, उन बच्चों के लिए इन सबसे मैंने बगावत किया था, जब तक उन बच्चों के साथ आप बैठक करके नहीं कहेंगे कि हाँ हमारी गलती थी, हम इसको सुधार करेंगे, अगर इसमें हम टाइट हुए थे, बोल्डली हुए होते, जैसे अपने हम अपने बचाव के लिए टाइट हो जाते हैं, वैसे अपने कार्यकर्ताओं पर, अधिकारियों के लिए भी अगर हम बोल्डली टाइट हुए होते अधिकारियों पर, तो शायद वो बच्चे जेल नहीं जाते। तो उसके बाद कहते हैं नहीं, दो चार दिन की बात है, तुम चले जाओ, हमारे बैठक हो जाएगी। गए चार दिन, हम कार्यक्रम किए सभी युवाओं को, वहाँ चोरी चौरम जो भी मेरे माध्यम से युवा जुड़े थे, जो भी 1500 भीड़ रोकनी थी, अपने सक्षम से जितना मैं सक्षम था अपने सामर्थ्य के हिसाब से उतना मैंने रोकने का प्रयास किया, और इन्हीं के माध्यम से माननीय विधायक सरवन निषाद जी के माध्यम, निषाद महाकुंभ को फेल करने के लिए। लेकिन उसमें कहीं कहीं फिर इधर से उधर रोका गया, इधर युवाओं ने समर्थन दिया, किसी के रोकने से अभी युवा नहीं रुकने वाले। निषाद समाज के जो शिक्षित युवा हैं, ना डॉक्टर संजय निषाद के बरगलाने में आएंगे, ना प्रवीण निषाद के, ना सरवन निषाद के, वो सभी स्वयं सोचने के लिए इतना उनके पास जो है इच्छा शक्ति है। प्रवीण तो जीत रहे हैं, आप उसी लोकसभा से आते हैं, हम लिख के दे रहे हैं, कभी नहीं जीवन में वो नहीं जीत पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में देखे, चप्पल लेके महिलाओं ने दौड़ाया था, वीडियो नहीं देखा? माननीय सांसद जी को, माननीय सांसद जी को उन्हीं के ही लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता था, बस इतना ही सवाल उस कार्यकर्ता ने कर दिया कि माननीय सांसद जी जितनी योजनाओं को आप गिना रहे हैं, जैसे माननीय सांसद जी गिना रहे थे कि हमारी सरकार ने शौचालय दिया, हमारी सरकार ने राशन दिया, हमारी सरकार ने पेंशन दिया, हमारी सरकार जो है 2000 रुपये किसानों को सम्मान निधि दे रही है, तो यही सवाल उस कार्यकर्ता ने कर दिया कि माननीय सांसद जी जिन योजनाओं को आप गिना रहे हैं, 99% मुसलमान भाई भाजपा को वोट नहीं देते, सरकारी योजनाएँ उनको भी दे रही है, 80% जो है 80 समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं देते, सरकारी योजनाएं उनको भी दे रही है, 60% यादव समाज के लोग नहीं वोट देते हैं भाजपा को, सरकारी योजनाएं उनको भी दे रही है। आप ये बताइए कि निषाद पार्टी के नाम पे आप लोग समाज को गुमराह करके सत्ता की मलाई काट रहे हैं, अलग से आप लोगों ने निषादों को क्या दिलवाया? उसी पर सांसद जी भड़क जाते हैं, नेतागिरी कर रहे हो तुम, नेता बनने चले हो, उसी पर सांसद जी उससे टाइट होते हैं, उसको पकड़ने चलते हैं, महिलाएं दौड़ा लेती हैं, माननीय सांसद जी को उस क्षेत्र से भागना पड़ता है, उसका भी वीडियो उपलब्ध है, आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब स्थिति क्या है फिर, मतलब फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोलते हैं, उसी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, तो अब निर्णय क्या होगा आपका? निर्णय पार्टी में तो आप नहीं रहेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद राष्ट्रीय प्रदेश सचिव बने हुए हैं,
बिल्कुल नहीं, प्रदेश सचिव हम बागी हैं इस समय। जब तक वो लोग, हम ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करके अपने सत्ता सुख के लिए जो है लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, ना कि समाज के लिए। 2024 में भी अगर वह व्यक्ति लड़ने लायक होता तो वह व्यक्ति आरक्षण की आवाज़ सदन में उठाता, ना कि रोड पर ड्रामा करता। रोड पर ड्रामा करने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भीड़ इनके पीछे देखेगी उतना इनको बार्गेनिंग करने का मौका मिलेगा। हम कह रहे हैं चारों सदनों में हमारे समाज के प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, राज्यसभा में भी हमारे समाज के लोग हैं, लोकसभा में भी हैं, विधानसभा में भी हैं, विधान परिषद में, जिसमें से तीन सदनों में ये लोग खुद हैं। लोकसभा में बड़े बेटे, विधानसभा में इनके छोटे बेटे, विधान परिषद में स्वयं है। तो भाई साहब, आप लोग अगर चर्चा होती है विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, आप रोड पर ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम एप्लीकेशन देंगे, अगर ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को तो डीएम साहब का ज्ञापन कहाँ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से होते हुए वहीं जाएगा फिर विधानसभा में ही। तो डायरेक्ट आप विधानसभा में जाकर विधानसभा स्पीकर को दे दीजिए ना, किस पर चर्चा करवाइए निषाद आरक्षण पर। तो निषाद आरक्षण पर एक लफ्ज इनको बोलना नहीं है, इनको बस ड्रामा गाँव में करना कि हमें निषाद आरक्षण चाहिए। जब बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे तो इनको अपने परिवार के लिए सीट चाहिए और मलाई चाहिए, मलाई चाहिए। ये धर्मात्मा निषाद थे और ये कह रहे हैं कि मैं बागी हो गया हूँ। प्रदेश सचिव हैं निषाद पार्टी के और संजय निषाद के खिलाफ काफी बागी होकर मुखर होकर बोल रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर।